किसने? हाँ जी बाबूजी। दूध लाया के नहीं? दूध तो नहीं लाया बाबूजी। कितना लेट हो गया है, जब देरी से दूध चलाएगा तब लाएगा। तुझे कितना समझाता हूँ, एक तू है मूर्मती, समझता ही नहीं। आप नौकर अंकल को हर समय क्यों डांटते रहते हो पापा? तू नहीं जानती निर्मला, गरीब किस्म के लोगों को ढोल की तरह जितना पीटा जाता है उतना ही ज्यादा रस देते हैं। कमीने कमबख्त, तेरा बाप देगा दूध के पैसे? ध्यान तो दारू में लगा रहता है, काम कहां से ठीक होगा? क्यों मार रहे हो पापा, दूध ही तो गिरा है, और मंगवा लीजिए। इतनी बड़ी बात तो होने गई जितना आप डांट रहे हो। डेयरी पे दूध नहीं है, सारा दूध चला गया। तुझे 50 रुपए में आग लगानी, 100 लगा दी। जानबूझ के तो मैंने गिराया नहीं है बाबूजी। रही 50 रुपए की बात, 100 मेरी तनख्वाह में से काट देना। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से जवान लड़ाता है। जवान लड़ाने की क्या बात है इसमें? अच्छा तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। कहाँ हो रहे लड़को? जी बाबूजी। इसे इसकी औकात याद दिलाओ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा, मारना इसे। ध्यान रखना, आज किसी के साथ कल हमारे साथ भी हो सकता। हमें तो नौकरी करना है, मारना तो पड़ेगा ही। मार दिया है, बताइए बताइए, मार दिया है, मार दिया है, बताइए। रुको रुको रुको, मार दिया है, बताइए। उठाओ और इसके दरवाजे फेंकियो। आप इस तरह के ओछे काम क्यों करते हैं पापा? कोई गुनाह तो किया नहीं था उसने? आखिर गरीब आदमी के भी अपने अरमान होते हैं, इज्जत होती है उनकी। गरीब आदमियों के अरमानों की कोई कदर नहीं करता, इसलिए उनकी कहीं इज्जत नहीं होती। जहाँ भी काम करेंगे इसी तरह की झिड़कियों से गुजरना पड़ेगा। किसने बनाई आपकी हालत? मैंने काफी कोशिश कर ली है डॉक्टर साहब, जब इन्हें होश ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? फिलहाल मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, बाकी इन्हें बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। ये दवा मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, ये दवाई मंगवाइए जल्दी से, वरना मरीज की जान को खतरा हो सकता है। इंजेक्शन मेरे किस्म ठीक हो जाएंगे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। कमाल की बात है, इलाज में कोई उधार होते हैं क्या? मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, जहर खाने तक को नहीं है डॉक्टर साहब। तो मैं क्या करूं, इस तरह इलाज फ्री करता फिरूंगा तो मैंने तो कर ली डॉक्टरी। Thank you.
बाबूजी, किसी ने मेरे किसनू को बहुत मारा है। बोल भी नहीं रहे हैं वो। इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे तो 11,000 रुपए पहले ही एडवांस पहुँचे हुए हैं। और पैसे नहीं दूंगा मैं। वो मर जाएंगे बाबूजी, उनकी जान बचा लीजिए। मैंने किसी के मरने जीने का ठेका नहीं ले रखा। गरीब आदमी के दिल के दर्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जिसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो उसके दिल के दर्द को कोई नहीं पहचानता। क्यों खड़ी है जाना से? बेटा जो होना वो हो गया, भगवान को याद करो। बाबा जी तुम कहाँ चले गए, अब हमें कौन देखेगा? बाबा आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोलो। समझा बेटा? रामकेश बेटा, आप दोनों घर पर ही रहना, मैं बाबूजी के घर जा रही हूँ। वहाँ क्या करने जा रही हो मम्मी? मैं उनसे कहकर आऊंगी कि तेरे बापू की तैरनी में शामिल हो जाएंगे। जिस आदमी ने हमें बुरे वक्त पर पैसा ना दिया हो उससे क्या हमदर्दी? चलो ऐसा नहीं कहते, उस आदमी का नमक खा करके ही तो तुम इतने बड़े हुए हो। बेटे क्या भाव तुले आज गन्ने? कहाँ, गन्ने की लुटाई हो रही है, 190 रुपए को लिए। ना लुटाओगे तो मिल तो पड़ते देना का ना। गेहूँ बोने तो गन्ने तो लुटाने ही पड़ेंगे। क्या करें, मजबूरी है किसान की। निर्मला बेटी एक गिलास पानी लाना। अभी लाई पापा। आपने किश्नु अंकल को पिटवाकर अच्छा नहीं किया पापा, आपको पता है वो मर गया। दुनिया मरती है, वो मर गया तो कौन सा जग खाली हो गया? आप कभी अच्छा भी सोचते हो पापा? अच्छा ही तो सोच रहा हूँ, मेरे 11,000 रुपए हैं उस पर। उसकी बीवी ने नहीं दिए तो बंधक बना के घर में काम करवाऊंगा। जब तक मेरे पैसे पूरे ना हो जाएंगे। जा रही हो? हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। शाम का अंधेरा हो चला है, ठंड का मौसम है, आप लोग सुनसान सड़क पर इस तरह से क्यों बैठे हो? सवारी के इंतजार में बैठे हैं साहब। कहाँ जाएंगे आप लोग? पता नहीं साहब, जहाँ हमारी किस्मत रह जाएगी वहीं जाएंगे। क्या मतलब है आपका, परेशान नजर आ रहे हो? एक दबंग आदमी ने हमें गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया साहब। कौन सा गांव है आपका?
धारा कुटी है साहब। क्या नाम है आपका? केसरी। नाम तो बड़ा सुंदर है आपका, अगर बुरा ना लगे तो सामने हेमतपुर गांव है, उसी में मेरा घर है, आप चाहे तो वहां रह सकते हैं। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? मैं अकेली औरत और आप अंधा आदमी, देख नहीं रहे हो जमाने की हवा? मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ? जब बहन पर मुसीबत होती है ना, तो भाई ही काम आता है। मेरा कोई भाई नहीं है साहब। आपसे मैं हूँ ना तेरे भाई। भैया चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आया बाबूजी, हमारे खेतों का ध्यान रखना, जंगली गायों का जत्था घूम रहा है उधर। जो आप ना आते जब भी मैं ध्यान रखता। आप कहाँ जा रहे हो बाबूजी? अरे वो किस्नू का बच्चा मेरे 11,000 रुपए लेके मर गया, पता चला है पड़ोस के गांव हेमंतपुर में उसके बच्चे रह रहे हैं, उनसे पैसे लेने जा रहा हूँ। बाबूजी वो तो बहुत गरीब आदमी है, आपके डर की वजह से तो काम छोड़ के भागे हैं। गरीब लोगों में ही बेईमानी और महामक्कारी ज्यादा होती है। आप अभी तक यूँ कह रहे थे मैं बैंक से पैसा लेने जा रहा हूँ। वो तो 50,000 रुपए में लिया है, ये रखे जेब में। 50,000? हाँ 50,000। अपना मालिक है यार, मालिक के साथ दगा। पैसे हैं तो दुनिया है, ऐसे मालिक तो 1,000 मिल जाएंगे। तो इरादा पक्का? पक्का। तो बाबूजी आदमी है, बैंक से और निकाल लाएगा, ये पैसे हमें दे दे। चल हट, तेरे बाप की कमाई के पैसे। अरे राजी से नहीं देगा। ये तो लगता है किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। अरे ये तो जिंदा है। अरे छोटे जल्दी जा घर पे, घर से चारपाई उठा ला, मम्मी अस्पताल भिजवा देगी। देखो मम्मी, ये आदमी मुसीबत में है, इसकी हम कोई सहायता कर सकते हैं? अरे ये तो वही बाबूजी हैं जिनके यहाँ तेरे पापा नौकरी करते थे। हेलो हेलो, कहाँ हो डॉक्टर साहब? क्लिनिक पर। एक आदमी की जान खतरे में है, जल्दी आ जाओ। अभी 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सोच रहे हो डॉक्टर साहब कि
पैसे नहीं मिलेंगे। आप इलाज तो कीजिए, मेरे पास पैसे हैं। आज उधार नहीं करूंगी। ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए, वो मेरी भूल थी। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मरीज की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आदमी जाने के बाद लौट कर वापस नहीं आता। इन्हें किसी बड़े अस्पताल में भर्ती तो नहीं कराना पड़ेगा डॉक्टर साहब? कोई जरूरत नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। वैसे आपके जैसी महान महिला मैंने नहीं देखी। वो कैसे? ऐसे आदमी की जान बचाने को एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, जिसने आपके आदमी को पीट पीट कर मार डाला हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मम्मी? हम तो इससे वहीं बदला ले लेते जहाँ पे ये घायल पड़ा था। मेरा सपना तुम्हें पढ़ा लिखा करके महान बनाने का है बच्चों। रही बदला लेने की बात, बदले तो सिर्फ कुदरत के यहाँ लिए जाते हैं। मुझे कौन लाया, मैं कहाँ हूँ, मुझे है कौन लाया? आप घबराओ मत बाबूजी, अपनों के बीच अपने घर में ही तो हो। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, मुझे माफ कर दो केसरी। नहीं नहीं बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े आदमी होकर के क्या जुलम ढा रहे हो हम पर? मैं तो समझता था हर गरीब आदमी बेईमान और महामक्कार होता है। गरीब लोगों में केसरी जैसे बड़े दिल वाले लोग भी होते हैं। आज पता चला है